हेलो एवरीवन, दिस इज़ खुशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट कट केयर। तो मैं आज आपको केराटिन हेयर स्पा की फुल डिटेल बताने वाली हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और यहाँ पे मैं एल्स गुडनेस का ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हेयर स्पा में ऑयल, तो मैं आपको हेयर स्पा की एक ऐसी मेथड बताने वाली हूँ, मैं अपने पार्लर में इसी मेथड का यूज़ करती हूँ, जिससे आपके हेयर काफ़ी अच्छे रहते हैं, काफ़ी दिन तक आपके स्पा का जो इफ़ेक्ट रहता है वो हेयर पर रहता है। हमें क्या करना है, हेयर स्पा में सबसे पहले ऑयलिंग करनी है, क्योंकि सभी क्लाइंट को उनके हेयर के अकॉर्डिंग पता नहीं रहता है कैसे ऑयलिंग करना है, क्या करना है, और कई तो ऑयलिंग कर भी नहीं पाते हैं बिजी शेड्यूल के कारण। तो हमें सबसे पहले हेयर में बहुत अच्छी तरीके से ऑयलिंग करना है। एल्प्स गुडनेस का ऑयल जो है काफ़ी अच्छा है, लाइट है और अफोर्डेबल भी है, बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा भी नहीं लगता है। ये ऑयल मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं ऑयल मसाज कर रही हूँ इनके हेयर में। और आपको ऑयल मसाज करते समय ध्यान रखना है, बिल्कुल पूरे रूट से लेके लेंथ तक बहुत ही अच्छी तरीके से ऑयल को लगाना है, अच्छी तरीके से लगना चाहिए। वैसे भी ये वॉश हो जाएगा, तो अगर ज़्यादा भी लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऑयल मसाज करके, ऑयल मसाज की और वीडियो मैं अपने चैनल में डालने वाली हूँ, तो फुल स्टेप उसमें आपको बताऊँगी ऑयल मसाज कैसे करना है, हेयर ग्रोथ के लिए कैसे अच्छी होती है, तो आप उसे चेक कर लीजिएगा। अगर आपके बाल में स्मूदनिंग या रिबॉन्डिंग करवाई है आपने, तो आपको ऑयलिंग जो है कम से कम 20-25 दिन बाद फर्स्ट ऑयलिंग करनी चाहिए। और केराटिन में ऐसा कुछ नहीं रहता है, आप केराटिन में ऑयलिंग 1 वीक के बाद कर सकते हैं। बट केराटिन में आपको हेयर स्पा जो है वो कम से कम 2.5 से 3 महीने बाद पहला हेयर स्पा लेना चाहिए, क्योंकि उतनी नीड नहीं रहती इसमें। केराटिन आपने लिया है अपने हेयर पर, प्रोटीन ट्रीटमेंट है ये, तो आपको हर मंथ स्पा करवाने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो इनको भी लगभग 3 महीने हो गए हैं, तो ये इनका 3 महीने के बाद जो केराटिन इन्होंने करवाया था, तो ये इनका फर्स्ट स्पा है। तो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से ऑयलिंग कर दी, उसके बाद स्टीम दिया है मैंने, और स्टीम के बाद हम हेयर में अच्छी तरीके से मसाज करेंगे। स्टीम देने से पोर्स जो है ओपन हो जाते हैं, उसके बाद आप मसाज करते हैं तो ऑयल आपके रूट तक बहुत अच्छी तरीके से पहुँचता है और काफ़ी हेयर स्मूद और सिल्की सॉफ्ट हो जाते हैं। और इस टाइप से पिंचिंग करना है आपको प्रेशर पॉइंट के साथ। सारे स्टेप्स जो है मैं आगे वीडियो डालने वाली हूँ, उसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊँगी कि ऑयलिंग कैसे करना है। इससे क्लाइंट को काफ़ी रिलैक्स भी फील होता है, काफ़ी अच्छा फील होता है, और हेयर भी काफ़ी स्मूथ हो जाते हैं। तो हमने स्टीम देने के बाद बहुत अच्छी तरीके से ऑयलिंग करना है, मसाज करना है बहुत अच्छी तरीके से हेयर में। और मसाज के बाद में यहाँ पे जो ट्रेसमी का है केराटिन शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, तो इससे अब हम हेयर को वॉश करेंगे। यहाँ मैं नॉर्मल वाटर का यूज़ कर रही हूँ हेयर वॉश करने के लिए, तो हम ट्रेसमी के शैम्पू का यूज़ करेंगे। उससे हेयर को बहुत अच्छी तरीके से वॉश करेंगे, ताकि ऑयल जो हमने लगाया है वो अच्छी तरीके से आपके हेयर से रिमूव हो जाए। केराटिन स्पा में जो आपको बता रही हूँ काफ़ी अफोर्डेबल है, और स्टेप्स काफ़ी इजी हैं। अगर आप चाहें तो पार्लर में ही, तो आप घर पे भी अपने यूज़ कर सकते हैं। तो हमने शैम्पू को लेना है और बहुत अच्छी तरीके से हेयर में बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई करना है, और जो भी ऑयल हमने लगाई थी वो अच्छी तरीके से रिमूव हो जाना चाहिए। तो अच्छी तरीके से हमें शैम्पू करके ऑयल को रिमूव कर देना है। और हम यहाँ पे शैम्पू करने के बाद कंडीशनर का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अभी हेयर स्पा की क्रीम अप्लाई करनी है। और कौन सी क्रीम होती है केराटिन की अच्छी होती है, रिज़ल्ट भी उसे काफ़ी अच्छे मैं आपको वीडियो में आगे दिखाने वाली हूँ। तो हम कंडीशनर का यूज़ नहीं करेंगे, हेयर को वॉश कर लेंगे, उसके बाद फिर हम हेयर को कम से कम 80% तक ड्राई करेंगे। हेयर को पूरा नहीं सुखाना है, उससे क्या होता है क्रीम के एप्लीकेशन करने में आपको दिक्कत आएगी, इसलिए हमें हेयर को लगभग 80% ड्राई करना है, उसके बाद फिर हेयर स्पा की क्रीम अप्लाई करनी है। या हम हेयर को पहले टॉवल ड्राई कर लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा एक्सेस पानी होता है उसे रिमूव करेंगे, उसके बाद हम कोल्ड टू मीडियम एयर से हेयर को ड्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हॉट नहीं देंगे, हम कोल्ड टू मीडियम ही देंगे, उसके बाद हेयर को अच्छी तरीके से ड्राई कर लेंगे। मतलब 80% आपको यहाँ पे हेयर को ड्राई करना है। अब यहाँ हमने हेयर को ड्राई कर लिया है, 80% हमारे हेयर ड्राई हो गए। अब यहाँ पे मैं कॉम्ब कर रही हूँ, इससे क्या होता है आपके जो भी बाल फंसे होते हैं वो अच्छे से सॉफ्ट स्ट्रेट हो जाते हैं, जिससे क्रीम एप्लीकेशन में आपके हेयर फॉल नहीं होंगे ज़्यादा। और यहाँ पे मैं शील्स का केराटिन हेयर स्पा मास्क यूज़ कर रही हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा है, आपके हेयर को स्मूथ बनाता है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। आपको ये 699-700 का आपको ये 500 ग्राम मिल जाता है।
तो आप इसे रख सकते हैं अपने पार्लर में भी, और अगर आप घर पे कर रहे हैं तो घर पे भी आप इसे ले सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा चलता है। तो हमें इसे थोड़े थोड़े एप्लीकेशन लेने हैं और हेयर के छोटे छोटे सेक्शन में इसे अच्छी तरीके से लगाना है, और कम से कम रूट से आप आधा इंच छोड़ के लगाइए। अब यहाँ पे बहुत लोग ये पूछते हैं कि हेयर स्पा की क्रीम है तो रूट में इसे क्यों नहीं लगाना है, तो क्या होता है हम मसाज करते हैं तो उसके बाद जो ऑलरेडी है ये थोड़े बहुत हमारे रूट पे स्कैल्प पे लग ही जाते हैं, तो इसलिए हम और ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लगाते हैं, क्योंकि कई की स्किन क्या होती है ऑयली होती है, उनके पिंपल की प्रॉब्लम होती है, और ये क्या है थोड़ा सा हेयर को आपके ड्राई भी कर सकता है, इसलिए हमें आधा इंच छोड़ के लगाना चाहिए। उसके बाद मसाज करते करते जितना थोड़ा बहुत ये आपके रूट पे लगी जाता है तो उतना काफ़ी होता है, और हम लगाने के बाद इसे कॉम से जो भी एक्सेस क्रीम है उसे एक बार निकाल देंगे, और अब हम यहाँ पे से कम 10 से 15 मिनट ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद हम कम से कम 10 से 15 मिनट और स्टीम लेंगे, और स्टीम देने के बाद हमें बहुत अच्छी तरीके से हेयर में इसका मसाज करना है। आप घर पे अगर कर रहे हैं, अगर आपके पास ये सब अवेलेबल नहीं है तो आप हैंड मसाज भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे ओजोन हाई फ्रिक्वेंसी मशीन यूज़ कर रही हूँ, इससे क्या होता है ये स्किन के आपके 7 लेयर अंदर जाती है, इसका इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा होता है, और अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो वो भी इससे दूर होती है। तो आपको इससे इसमें सेट करने का जो टेम्परेचर रहता है, आप इसे लो हाई, आपकी क्लाइंट जितना इसका टेम्परेचर उनको सह सके वो जितना चाहें आप उसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके उन्हें दे सकते हैं। तो इससे मैं बहुत अच्छी तरीके से मसाज करूंगी हेयर पे, सिंपली इसको आपको जैसे आप कॉम करते हैं वैसे ही अप्लाई करना है, और ये बहुत ही हल्के से मतलब करंट जैसा लगता है पर बहुत ही हल्का सा वाइब्रेट होता है, इससे क्या होता है आपके जो भी क्रीम ऑयल है बहुत अच्छी तरीके से अंदर तक जाती है, और काफ़ी अच्छी मशीन है ये। अब एक बार हम हैंड से मसाज दे देंगे, और हैंड से मसाज देने के बाद हमें वाटर से नॉर्मल वाटर से वॉश करना है, किसी भी शैम्पू का और किसी भी चीज़ का आपको यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, नॉर्मल वाटर से हम जो है मास्क को जो भी हेयर स्पा की क्रीम है हमें उसे रिमूव कर देना है। बहुत अच्छी तरीके से आपको वाटर से वॉश करना है हेयर को। तो गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आपको किसी भी वीडियो की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पे कोलू टू मीडियम एयरसन के हेयर को ड्राई किया है, और स्ट्रिक्स का हेयर सीरम यूज़ कर रही हूँ, ये हेयर सीरम भी काफ़ी अच्छा है, आप यूज़ करके देख सकते हैं। और आपको कम से कम जिस दिन आपने हेयर स्पा करवाया है कम से कम आपको उस दिन हॉट एयर मत लीजिए, और स्ट्रेटिंग वगैरह हेयर पर मत करवाइए, ज़्यादा ड्राई मत करवाइए हेयर को, भले आपकी हेयर सूखने में थोड़े टाइम लगे। फर्स्ट केराटिन स्पा आपको 2.5 से 3 महीने के बाद ही लेना है, उसके बाद आप चाहें तो हर 1.5 महीने में आप ले सकते हैं स्पा। साथ ही आपको केराटिन शैम्पू और कंडीशनर का भी ध्यान रखना है, इससे आपके हेयर काफ़ी अच्छे रहेंगे, स्मूथ हो जाएंगे, और आप ये प्रोसेस घर पे भी ट्राई कर सकते हैं।